Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine. Today we are going to read unit 4 lesson 3. These are new words of unit 4 lesson 3. First we read these words, then you have to write these words in your copy. Aapko ye copy mein likhne hai, pehle hum read karenge. Number one word is Aston. Aston. Aston is a name of city. एक शहर का नाम है. Like we live in Karachi, तो कराची एक शहर है. लाहौर इसी तरह एक शहर. यूरोप में एक शहर है Aston. Okay. Number two, worried. 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 Worried means परेशान होना, किसी वजह से फिक्रमंद होना. नंबर थ्री, ब्रॉड स्ट्रीट. ब्रॉड स्ट्रीट ये एक एरिया का नेम है. नंबर फोर, डिसअपीयर्ड. ये डिसअपीयर होता है, ईडी लग गया, ये पास्ट है. डिसअपीयर्ड मींस कोई चीज़ गायब हो जाना, खो जाना. ठीक है. मिसेस स्टारलेट ये एक आंटी का नेम है. डायमंड, DIAMOND, डायमंड. डायमंड कहते हैं हीरों को. नेकलेस, नेकलेस. नेकलेस मींस हार, गले का हार जो होता है ना, माला, गले का हार, इसे हम कहते हैं नेकलेस. ग्रेस फार्मर, ग्रेस फार्मर भी एक लड़की का नेम है. स्टील, STEAL, स्टील. ये वो स्टील नहीं है जो स्टील होता है बर्तन वगैरह का. इट इज़ स्टील मींस चोरी करना, चोरी हो जाना. ठीक है जनाब. सस्पिशियस मींस कोई चीज़ जो मशकूक हो, जिसको देख के कुछ शक हो रहा हो, कुछ ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, इसे कहते हैं हम सस्पिशियस. इमीजिएटली मतलब फौरन. रिपोर्टर जो न्यूज़ वगैरह की रिपोर्ट करते हैं वो कौन होते हैं? रिपोर्टर. गैरेज, कार्स वगैरह रखते हैं जहाँ पर गैरेज होता है. ठीक है ना. मैक पाए, ये एक बर्ड का नेम है, मैक पाए. सरप्राइज्ड, किसी चीज़ से हैरान होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सरप्राइज्ड. अगेन Aston, वरीड, ब्रॉड स्ट्रीट, डिसअपीयर्ड, मिसेस स्टारलेट, डायमंड, नेकलेस, ग्रेस फार्मर, स्टील, सस्पिशियस, इमीडिएटली, रिपोर्टर, गैरेज, मैक पाए, सरप्राइज्ड. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर Unit 4, Lesson 3. Read and answer. What did the thief steal? चोर ने क्या क्या चुराया? अच्छा, ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है. ये किसी एरिया में कोई थीप आ गए हैं और उसकी खबर जो है वो एक न्यूज़पेपर में लगी है, तो वो किस तरह से? वॉच आउट, देयर इज अ थीप अबाउट. किसके बारे में है ये? थीप के बारे में. थर्सडे 12 सितंबर, ये न्यूज़ किस दिन आई है न्यूज़पेपर में? थर्सडे 12 सितंबर को. अगेन स्टार्ट रीडिंग. द पीपल ऑफ Aston आर वरीड बिकॉज दे थिंक देयर इज अ थीप इन देयर टाउन. द पीपल ऑफ Aston आर वरीड बिकॉज द पीपल ऑफ Aston आर वरीड परेशान हैं बिकॉज दे थिंक देयर इज अ थीप इन देयर टाउन, क्योंकि उन्हें लगता है या वो सोच रहे हैं कि उनके शहर में क्या आ गया है? थीप आ गया है. अब कैसे पता लगा? कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ. लाइक मिस्टर बेकर हु लिव्स एट नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट सेड ऑन मंडे इवनिंग व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क आई पुट माय वॉच ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द बेडरूम विंडो व्हाइल आई वॉज इन द शावर द वॉच डिड अपीयर्ड आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर. मिसेस बेकर जो के, मिस्टर बेकर जो के रहते हैं 11 नंबर के हाउस में, कहाँ? ब्रॉड स्ट्रीट पर. अब Aston के एक एरिया का नाम है ब्रॉड स्ट्रीट. ऑन मंडे इवनिंग, कब की बात है? मंडे इवनिंग की. व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से वापस आया. आई पुट माय वॉच ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द बेडरूम विंडो, कहाँ रखी वॉच? टेबल पे, जो कि कहाँ थी? बेडरूम विंडो के बराबर में, के साथ रखी हुई थी. अक्सर विंडोज़ के साथ एक टेबल लगी हुई होती हैं. वाइल आई वॉज इन द शावर, जब वो शावर ले रहे थे या मैं ले रहा था, द वॉच डिसअपीयर्ड, घड़ी गायब हो गई.
आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब वो अपनी वॉच के लिए परेशान है। मिसेज स्टारलेट हु लिव्स एट नंबर 20 एक्सप्लेन्ड, मिसेज स्टारलेट जो कि नंबर 20 की हाउस में रहती हैं, वो कह रही हैं, ऑन ट्यूजडे इवनिंग आई पुट माई डायमंड नेकलेस ऑन द टेबल इन माई बेडरूम, देन आई वेंट टू स्लीप, द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉजेंट देयर एनी मोर। ट्यूजडे की शाम मैंने डायमंड नेकलेस रखा टेबल पर इन माई बेडरूम, कहाँ, बेडरूम में। देन आई वेंट टू स्लीप, और फिर सोने चली गई। अक्सर आता है ना, बाहर से आते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह होती है उतार के टेबल पर रखते हैं, सो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉजेंट देयर एनी मोर, अगली सुबह वो वहाँ पर नहीं था। मिस पार्कर हु लिव्स एट नंबर 12 टोल्ड अस, मिस पार्कर जो कि नंबर 12 पर रहती हैं, टोल्ड अस मतलब हमें बताया। हम कौन है यहाँ पर, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, जो रिपोर्ट लेना है वो बता रहे हैं कि हमें बताया कि ऑन वेडनेसडे इवनिंग आफ्टर वर्क, जब वेडनेसडे इवनिंग को जब मैं काम से वापस आई, आई लेफ्ट माई कार कीज ऑन द किचन टेबल, मैंने अपनी कार कीज कहाँ रखी, किचन टेबल पर। देन आई वॉच टीवी, फिर मैंने टीवी देखा। एन आवर लेटर द कीज वर गॉन, आधे एक घंटे के बाद जब वो किचन में गई तो वहाँ कीज नहीं थी। अच्छा, इसमें एक फ़नी चीज़ हुई, द फनी थिंग इज द थीफ टुक द कीज बट डिडंट टेक माय कार, आई कांट अंडरस्टैंड इट। फनी थिंग ये हुई कि जो थीफ हैं वो कीज तो ले गए लेकिन कार नहीं ले गए, आई कांट अंडरस्टैंड इट, उनको ये समझ नहीं आ रहा कैसा क्यों हुआ। लाइक अगर किसी ने चाबी चुराई है तो वो कार भी ले जाएगा, वो चाबी का क्या करेगा, कीज का क्या करेगा, वो यही देखेगा ना ये कीज कौन सी कार की है, मैं वो कार ले जाऊँ। लेकिन ऐसा थीफ है जो कीज तो ले गया लेकिन कार नहीं ले गया, ऐसा समझ नहीं आ रहा क्यों है। अब हमने बताया यहाँ पर कि पीपल ऑफ वेस्टर्न आर वरीड, परेशान है क्योंकि वहाँ कोई थीफ आ गया है। मिस्टर बेकर जो हैं उनकी वॉच डिसअपीयर हो चुकी है, मिसेस स्टारलेट का डायमंड नेकलेस और मिस पार्कर का की कार कीज। लेकिन उनके साथ एक फ़नी थिंग हुई है, व्हाट फ़नी थिंग हैपन टू मिस पार्कर, द फनी थिंग इज द थीफ टुक द कीज बट डिडंट टेक द कार। फनी थिंग ये हुई है कि थीफ जो है वो कीज ले गया है पर कार नहीं ले गया। इसी तरह अगला है ग्रेस फार्मर, नेक्स्ट है ग्रेस फार्मर हु इज 11 ईयर्स ओल्ड लिव्स एट नंबर 19 विद हर पेरेंट्स सेड। एक लड़की ग्रेस फार्मर जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है और किसके साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ नंबर 19 हाउस में। उसने कहा ऑन थर्सडे आई केम होम फ्रॉम स्कूल, थर्सडे को जब मैं स्कूल से आई, टुक ऑफ माई हेयरबैंड, मैंने अपने सर से हेयरबैंड निकाला एंड पुट इट ऑन द डेस्क इन माई बेडरूम, अपने बेडरूम में एक डेस्क पे रख दिया। देन आई वेंट स्विमिंग, और फिर मैं स्विमिंग के लिए चली गई। व्हेन आई केम होम माई हेयरबैंड वॉज गॉन, जब मैं घर वापस आई तो मेरा हेयरबैंड नहीं था, कहीं जा चुका था या खो चुका था। ठीक है जनाब, तो हमने ये बता लगाया कि मिस्टर बेकर की वॉच, मिसेस स्टारलेट के डायमंड नेकलेस, मिस पार्कर की कार कीज और ग्रेस फार्मर का हेयरबैंड जो है वो डिसअपीयर्ड है, खो गया है, स्टोलन है, चोरी हो गया है, कुछ पता नहीं। एवरीबडी इन स्ट्रीट ब्रॉड स्ट्रीट इज़ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द थीप, ब्रॉड स्ट्रीट का हर शख्स एक दूसरे से थीप के बारे में पूछ रहा है, इज इट वन पर्सन और इज इट अ टीम। जब भी कोई वाक्य होता है आपने देखा है, लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अब ऐसा अनोखा वाक्य हो रहा है कि चीज़ें गायब हो रही हैं तो लोग सोच रहे हैं कि ये कोई एक इंसान है या पूरी टीम है। डज द थीप स्टील थिंग्स एट नाइट, क्या वो रात में चोरी करने आता है। कैन द थीप क्लाइम इन थ्रू बेडरूम विंडोज, क्या वो बेडरूम की विंडोज से अंदर आता है। इज द थीप टॉल और शॉर्ट, अब बहुत सारे सवाल हैं, कहाँ से आता है, बेडरूम विंडो से आता है, कैसा है, लंबा है, छोटा है, कब आता है, रात में आता है, दिन में आता है, कुछ पता नहीं है, लोगों के पास सिर्फ सवाल है। इफ़ एनीबडी सीज एनीथिंग सस्पिशियस दे शुड कॉल द वेस्टर्न पुलिस इमीडिएटली ऑन 764309। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि सस्पिशियस है, मशकूक है, तो आप फौरन से कॉल करेंगे, इमीडिएटली मीन्स फौरन कॉल करेंगे वेस्टर्न पुलिस को इस नंबर पर। ओके, I hope you all will understand, you all had understand this.
अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई वर पीपल ऑफ वेस्टर्न वरीड? पीपल ऑफ वेस्टर्न क्यों परेशान थे? द पीपल ऑफ वेस्टर्न वर वरीड बिकॉज दे थिंक देयर इज अ थीफ. व्हाट हैपेंड टू मिसेज स्टारलेट? व्हाट हैपेंड टू मिसेज स्टारलेट, ये आपको पता होगा. सही है. व्हाट फनी थिंग्स हैपेंड टू मिस पार्कर? मिस पार्कर के साथ कौन सी फ़नी थिंग्स हुई? ऐसा कौन सा हुआ कि वो फ़नी सी बात थी? अभी हमने रीड किया. हु इज़ ग्रेस फार्मर एंड व्हाट हैपेंड टू हर? ठीक है जनाब, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं. वीडियो को गौर से देखेंगे, रीडिंग करेंगे, देन डू दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ. फिर ये सवालात अपने तौर पे खुद से करने हैं. ओके, थैंक यू.